गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, आज मैं क्लास सिक्स का मैथ पढ़ाने जा रहा हूँ। टॉपिक है डिवाइड। डिवाइड आप लोगों के लिए कोई नई चीजें नहीं है, आप पीछे भी बैक में भी ये सब चीज पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैंने आज आपको टोटल 10 क्वेश्चन दिया है और एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। 1936 को डिवाइड करना है 16 से। आप यहाँ देख लीजिए, 16 से डिवाइड करना है, यहाँ 19 है। 16 का टेबल अगर वन बार पढ़ेंगे तो 16, दो बार पढ़ेंगे तो 32। 32 चूंकि डिविजर से ज्यादा होता है आप नहीं लगाएंगे, एक बार ही लगाएंगे, तो 16 बन जा 16। 19 में से 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना, 3। ऊपर से आप राइट डाउन करेंगे तो 3 यहाँ नीचे उतार लेंगे तो 33। 16 का टेबल फिर पढ़ें, 16 वन जा 16, 16 टू जा 32, 16 थ्री जा 48। 48 ज्यादा होता है आप दो बार लगाएं, 32। 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, अब फिर ऊपर से राइट डाउन करें, 6 नीचे उतार लें तो 16। 16 एक बार भी पढ़ेंगे 16 हो जाएगा, 16 वन जा 16, तो ये कंप्लीट कैंसिल हो गया और आपको क्वेश्चन आया कितना, 121, रिमाइंडर 0। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 देख लें, 257796 को 341 से डिवाइड करना है। 341 से डिवाइड करना है तो देखिए, मैंने फर्स्ट टाइम लगाया 7 से तो कितने हुए, 2387। इसको मैंने माइनस कर दिया तो 770, 17 में से 8 गया 9, 4 में से 3 गया 1, फिर यहाँ से मैंने 9 को राइट डाउन किया है, फिर ये 5 टाइम्स लगे हैं तो 1705। 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया 4, 0 को 0, 9 में से 7 गया 2, फिर नीचे राइट डाउन किया है 6। देखिए 6 टाइम्स में कम्प्लीटली कैंसिल हो गए हैं, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन कितना आया, 756, और रिमाइंडर कितना आया, 0। ओके, इन दो क्वेश्चन के सॉल्यूशन से आप बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये डिवीजन बहुत इजी है। ओके।